हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड कम टू पेज नंबर 57। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन। ओके, एट फर्स्ट द बियर वुड गो टू द हट वेयर हर सन लिव्ड विद द वुड फेरीज। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे वो बियर वहां आती है तो वो जो उसका बेटा होता है वो उसे डर जाता है और फिर वो वुड फेरीज के साथ चला जाता है। तो बियर सोचती है कि पहले मैं मेरे बेटे से मिलकर आऊं, इसलिए वो अपने हट की ओर, अपने घर की ओर जाती है। शी वॉन्टेड टू लुक एट हर सन एज ही स्लेप्ट इन हिज लिटिल बेड। वो उसे देखना चाह रही थी, अपने बेटे को देखना चाह रही थी जो अपने बेड में सो गया था, छोटे से बेड में। आफ्टर सम डेज द बियर कुड नॉट गो नियर द हट। पर कुछ दिनों बाद तो वो उस हट के पास भी नहीं जा पा रही थी। मेन एंड डॉग्स वॉन्टेड टू किल हर। वहां के लोग और जो वहां के कुत्ते थे वो उसे मार डालना चाहते थे, क्योंकि वो बियर थी। अब वो उसकी माँ नहीं बची थी, नहीं दिख रही थी। सो शी वेंट फार अवे एंड हिड हरसेल्फ इन अ थिक फॉरेस्ट। और इसीलिए वो वहां से दूर कहीं घने जंगल में चली गई। थिक फॉरेस्ट, घने जंगल में उसने अपने आप को छुपा लिया। हिड हरसेल्फ, हिड मीन्स छुपाना, उसने अपने आप को घने जंगल में छुपा लिया। डेज, वीक्स, मंथ्स केम एंड वेंट अवे। दिन, सप्ताह, महीने आए और चले गए, मतलब बहुत दिन हो गए। द सीजन्स चेंज्ड, ऋतुएं बदल गई। द बियर लिव्ड अलोन एंड लोनली। बेचारी वो बियर अकेली जंगल में रही। वन विंटर नाइट शी ड्रीम्ड ऑफ एरकस। एक दिन, विंटर की नाइट थी, कोल्ड थी वहां पे बहुत, और उसने एरकस के बारे में एक सपना देखा। शी लॉन्ग टू सी हिम अगेन। वो उसे देखना चाह रही थी, उसे बहुत चाह हो रही थी कि वो अपने बेटे को देखे। शी डिसाइडेड टू गो एंड सी हिम इन स्प्रिंग। और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो जाएगी और उसे स्प्रिंग में देखकर आएगी। फिर स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग का मौसम आया। द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन। बियर ने बहुत लंबी जर्नी तय की अपने बेटे से मिलने के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को घने जंगल में छुपा लिया था, है ना। तो उसे बहुत दूर जाना पड़ा अपने बेटे से मिलने के लिए। वन इवनिंग द बियर वॉज वॉन्डरिंग इन अ वुड। एक शाम को ये जो बियर थी वो जंगल में घूम रही थी, वॉन्डरिंग, घूमना। सडनली शी सॉ अ हैंडसम यंग हंटर। और अचानक उसने एक हैंडसम यंग हंटर को देखा। ही वॉज गोइंग टू शूट एन एरो एट अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच। वो जो हंटर था, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, वो उसने एरो शूट करने के लिए एरो अपने तीर कमान पर लगाया ही था, क्योंकि वो एक बर्ड की शिकार करना चाह रहा था। इट वॉज एरकस हर सन। वो कौन था? वो और कोई नहीं, उसका बेटा एरकस ही था। द एरो मिस्ड इट्स मार्क। लेकिन वो जो एरो उसने चलाया उसका निशाना चूक गया। और द बर्ड फ्लू अवे, और वो पक्षी वहां से उड़ गया। सडनली एरकस फेल्ट दैट समवन वॉज वॉचिंग हिम। और इतने में एरकस को लगा कि शायद कोई उसे वॉच कर रहा है। ही टर्न एंड सॉ अ ह्यूज ब्लैक बियर स्टेयरिंग एट हिम। वो मुड़ा तो उसने क्या देखा कि एक ह्यूज, एक बड़ा ब्लैक बियर उसी की ओर देख रहा है, उसे घूर रहा है। ही वॉज अफ्रेड। वो डर गया। द बियर वुड किल हिम। उसे डर लगा कि शायद वो बियर उसे मार देगा। सो ही पुट एन एरो इन हिज बो टू किल इट। और इसीलिए उसने क्या किया, एक एरो अपने बो में लगाया, तीर कमान में लगाया,
किससे मारने के लिए? उस बियर को मारने के लिए। द बियर वो साइलेंट, लेकिन वो जो बियर था वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। इट कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं पा रहा था। देन समथिंग हैपेंड विच यूनाइटेड मदर एंड सन फॉर एवर, और अचानक कुछ तो हुआ कि जिसके कारण माँ और बेटे हमेशा के लिए एक हो गए। कैसे? देखो, जुपिटर द फादर ऑफ आर्कस लुक्ड डाउन फ्रॉम हिज पैलेस। जुपिटर जो कि आर्कस के पापा थे, उन्होंने अपने पैलेस से नीचे देखा। ही वॉज शॉक्ड एट व्हाट ही सॉ, वो शॉक हो गए जो उन्होंने देखा। हिज सन वॉज गोइंग टू किल हिज मदर कैलिस्ट्रो, उनका बेटा उसकी माँ कैलिस्ट्रो को मार रहा था। जुपिटर स्वेप्ट डाउन स्नैच्ड कैलिस्ट्रो द ह्यूज ब्लैक बियर एंड फ्लंग हर इनटू अ नाइट स्काइज। जुपिटर नीचे आया, उसने कैलिस्ट्रो को स्नैच किया, जोर से उसको उस झपट के हाथ में लिया और द ह्यूज ब्लैक बियर एंड फ्लंग इनटू द नाइट स्काइज, और उसे फेंक दिया नाइट स्काइज में, ऐसा ऊपर उसे फ्लंग कर दिया। उसकी माँ को उठा के उन्होंने आकाश में फेंक दिया। ये देखो, आपको यहाँ दिख रही होगी, ये बड़ी सी बियर है, ठीक है। अब उसने क्या किया जुपिटर ने? देन ही ग्रैब्ड आर्कस एंड फ्लंग हिम टू इनटू द डार्कनेस ऑफ द नाइट स्काई, और उन्होंने फिर आर्कस को भी ग्रैब किया, छीना उसके, उसको हाथ से पकड़ लिया और उसको भी फ्लंग कर दिया डार्क स्काइज में। आर्कस बिकम अ लिटिल बियर नेक्स्ट टू हिज मदर, और आर्कस भी एक छोटा सा बियर बन गया उसकी मदर के साइड में, यहाँ आपको स्काई में दिख रहा होगा। द टू बियर चेंज्ड इनटू स्टार्स, और अब ये जो दो बियर थे वो तारों में बदल गए, स्टार्स में बदल गए। कैलिस्टो इज नोन एज द ग्रेट बियर एंड आर्कस इज नोन एज द लिटिल बियर। अब ये जो कैलिस्टो थी ये ग्रेट बियर नाम से जाने लगी, और ये जो आर्कस है वो लिटिल बियर के नाम से। इफ यू लुक अप एट द नाइट स्काई यू कैन सी द शेप्स ऑफ द टू बियर्स आउटलाइंड बाय द स्टार्स। अगर आप रात में कभी नाइट में स्काई में देखते हो तो आपको ये दो शेप्स बियर के बिल्कुल दिखेंगे, और जिसे आउटलाइन स्टार्स की बनी हुई होगी।